नमस्कार दोस्तों श्री नीटिंग में आपका स्वागत है दोस्तों देखिए आज ये सिंगल कलर का पैटर्न बनाएंगे हम ये देखिए ये पैटर्न आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जेंट्स स्वेटर लेडीज कार्डिगन, बच्चों के कपड़ों में किसी में भी इसको बनाने के लिए हमें इसमें फंदे डालने हैं फोर के और एक फंदा एक्स्ट्रा और ये सिक्स रो का पैटर्न है मैं आपको यही सही बताती हूँ ये हमें कैसे बनाना है सबसे पहले आप इसमें फंदे डाल लें और बॉर्डर बना लें जैसा भी आपको बनाना है और उसके बाद ये पैटर्न बनाना स्टार्ट करें ये राइट साइड से ही बनाना है स्टार्ट करना है पैटर्न बनाना ये राइट साइड है फर्स्ट रो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रही देखिए राइट साइड फर्स्ट रो फर्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे अब तीन फंदे सीधे एक दो तीन तीन फंदे सीधे फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे ये पूरी रो हमें इसी तरीके से बनानी है एक फंदा उल्टा धागा आगे क्या एक फंदा उल्टा और धागा पीछे करके तीन फंदे सीधे इसी तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे पूरी लास्ट का फंदा भी हमारा उल्टा बन जाएगा ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होगी अब सेकंड रो रोंग साइड इसमें जो फंदे हमने राइट साइड से उल्टे बुने हैं वो सीधे बुने जाएंगे और जो उधर से हमने सीधे बुने हैं वो अब रोंग साइड से उल्टे बुनेंगे ये फर्स्ट फंदा हम सीधा बनाएंगे धागा आगे की साइड करेंगे अब तीन फंदे उल्टे ये हमने राइट साइड से सीधे बनाए थे तीन फंदे अब रॉन्ग साइड से इनको उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा फिर धागा आगे करके तीन फंदे उल्टे फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा धागा आगे करके तीन फंदे उल्टे ये सेकंड रो भी हम इसी तरीके से बना लेंगे पूरी लास्ट का फंदा इसमें धागा पीछे करके सीधा बनेगा यह सेकंड रो हमारी कंप्लीट होगी अब थर्ड रो राइट साइड थर्ड रो भी हम फर्स्ट रो की तरह बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी पहला फंदा उल्टा धागा पीछे किया फिर तीन फंदे सीधे फिर धागा आगे किया एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे किया तीन फंदे सीधे इसी तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं फिर दिखाती हूँ आपको बनाकर ये देखिए थर्ड रो हमारी कंप्लीट होगी अब फोर्थ रो रोंग साइड फोर्थ रो को भी हम सेकंड रो की तरह ही बनाएंगे रोंग साइड से हमें हर रो ऐसे ही बनानी है फर्स्ट फंदा सीधा फिर धागा आगे की साइड किया फिर तीन फंदे उल्टे फिर धागा पीछे किया एक फंदा सीधा फिर धागा आगे की साइड किया तीन फंदे उल्टे देखिए इसी तरीके से हम इस फोर्थ रो को कंप्लीट कर लेंगे बनाकर मैं बना लेती हूं फिर दिखाती हूँ आपको बनाकर ये देखिए फोर्थ रो हमारी कंप्लीट होगी अब फिफ्थ रो राइट साइड इसमें देखिए हमें क्या करना है ये फर्स्ट फंदा हम उल्टा बुनेंगे ये देखिए ऐसे धागा पीछे करेंगे ऐसे धागा पीछे करके इसको एक बार ऐसे यहाँ पे घुमा लेंगे यहाँ हमारी जाली बन जाएगी है और एक फंदा हम स्लिप करेंगे फिर दो फंदों का एक बनाएंगे पीछे की साइड से दो का एक बना लिया अब जो फंदा हमने स्लिप किया था इसको ऐसे लेकर इसके ऊपर से फंदे के उतार लेंगे यहाँ हमारे तीन फंदों का एक बन गया अब फिर धागा आगे करेंगे इसको ऐसे यहाँ पे फिर घुमा कर ले आएंगे यहाँ जाली बन जाएगी और ये एक फंदा उल्टा बनेगा जो हम पहले से ही बनाते आ रहे हैं, एक फंदा उल्टा राइट साइड से रोंग साइड से सीधा वो ये हमारा इधर से फिर उल्टा बनेगा फिर धागा पीछे करेंगे फिर इसको एक बार ऐसे घुमा लेंगे जाली बन जाएगी यहाँ पे और एक फंदा स्लिप करेंगे फिर दो फंदों का एक दो का एक कर लिया अब जो फंदा हमने स्लिप किया था इसको इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे यहाँ हमारा तीन फंदों का एक बन जाएगा फिर धागा आगे करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे यहाँ जाली बन जाएगी और ये एक फंदा उल्टा ये ध्यान रखना जो फंदा हमारा पहले से ही राइट साइड से उल्टा बन रहा है वो ही हमें उल्टा बनाना है ये देखिए ये अलग ही दिखाई देगा जब हम बनाते जाएंगे कि हमारा कौन सा फंदा उल्टा है फिर धागा पीछे करेंगे फिर इसको ऐसे घुमाएंगे यहां जाली बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदों का एक फिर ये एक फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे यहाँ तीन फंदों का एक बन जाएगा फिर धागा आगे करेंगे ऐसे जाली बनाएंगे और एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे यहाँ जाली बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदों का एक अब जो हमने फंदा स्लिप किया था उसको इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे तो यहाँ हमारा तीन फंदों का एक फंदा बन जाएगा फिर धागा आगे करेंगे जाली बनाएंगे ऐसे आगे की साइड घुमाकर फिर एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे किया जाली बनाई ऐसे एक फंदा स्लिप, फिर दो फंदों का एक बनाएंगे पीछे की साइड से सीधा अब जब दो फंदों का एक बनाया इसके ऊपर से ये फंदा उतार लेंगे जो स्लिप किया था फिर धागा आगे करेंगे जाली बनाएंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे किया जाली बनाई फिर एक फंदा स्लीप और दो फंदों का एक फिर ये जो स्लिप किया था फंदा ये इसके ऊपर से उतार देंगे जो हमारा ये एक फंदा उल्टा बनेगा इसके हमें दोनों साइड जाली बनानी है एक बार धागा आगे करके ऐसे बनाएंगे फिर एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करके ऐसे पीछे की साइड बनाएंगे जो फंदा उल्टा बनेगा उसके दोनों साइड जाली बनाएंगे फिर एक फंदा स्लिप फिर दो का एक फिर ये वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे स्लिप कर लेंगे फिर धागा आगे किया जाली बनाई एक फंदा उल्टा धागा पीछे किया जाली बनाई और एक फंदा स्लिप किया दो फंदों का एक और ये एक फंदा इसके ऊपर से उतार लेंगे जो हमने स्लिप किया था फिर धागा आगे किया और जाली बना ली और यहाँ लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे ये फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट होगी अब सिक्स रो रोंग साइड ये फिर ऐसे ही बनेगी फर्स्ट फंदा सीधा बनेगा रोंग साइड से हमारी सभी रो ऐसे ही बनती जाएगी धागा आगे किया और ये तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फिर धागा पीछे किया एक फंदा ये सीधा जो उधर से हमने उल्टा बनाया था ये इधर से रोंग साइड से सीधा बनेगा और धागा आगे करके दो ये जाली वाले एक ये और एक ये और ये बीच का फंदा जो उल्टा बुना था तीन का एक बनाया था वो आ जाएगा तो तीन फंदे हमारे उल्टे एक ये जाली वाला एक जो तीन फंदों से एक बनाया था ये और फिर एक ये जाली वाला फिर धागा पीछे किया एक फंदा सीधा धागा आगे किया तीन फंदे उल्टे इसी तरीके से इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे बनाकर लास्ट वाला फंदा धागा पीछे करके सीधा ये देखिए सिक्स रो ये हमारी कंप्लीट होगी और ये हमारा पैटर्न बन के गया हाँ। ये देखिए इन सिक्स रो को ही हमें बार बार रिपीट करते जाना है और ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा इस तरह बन के आएगा ये छोटी छोटी सी डबिया बन जाएगी और ये जब थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा बनाकर आप इस वाले पैटर्न को एक बार जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक व कमेंट करें और मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू